आप सभी का हमारे ई कृषि शिक्षा चैनल पर स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी ई कृषि पाठशाला ऐप को लेकर। जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियोस को बहुत ध्यान से देखेंगे। अपने हर एक क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मुझ तक भेज सकते हैं। मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी और दूँगी ही। दूसरी चीज़, वीडियोस को लास्ट तक देखना। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट में मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि स्टूडेंट से होती है, जिसकी वजह से बैक लग जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें ई कृषि पाठशाला ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। हमें जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हमें सर्च करना है ई कृषि पाठशाला। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा ऐप है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको किसके लॉगिन करना है, किस आईडी से करना है? स्टूडेंट आईडी से करना है, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप लोग ओपन करेंगे। जब ये ओपन हो जाता है, देख रहे हैं आप सभी, ओपन जब ये होगा तब हम इसमें क्या डालेंगे, अपना नेम, आईडी आप सभी को मिली होगी। और अगर आप सभी के पास आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स भरते जाएंगे, ऑप्शन आता जाएगा, तो आपकी आईडी आप सभी को मिल जाएगी। और आप सभी को आईडी अभी तक मिल गई होगी। मिड टर्म में जो आप लोग आईडी डालते थे, जैसे कि बहुत लोगों की आईडी है जैसे 20200647 8, ऐसे इस तरह से आईडी होती है, ठीक है। तो आप आईडी हमेशा याद रखें, ये आईडी ही आपका रोल नंबर है। क्लियर है सभी लोग? जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम लोग और इसे अच्छे क्लियर कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या करना है इसमें, आप सभी को बताती हूँ। ये देखिए, इसको ओपन करिए, ये ओपन हो रहा है। इसे नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद आप सभी यहाँ पे सेटिंग्स को क्या करेंगे, वाइल यूजिंग दी ऐप, ठीक है। अलाउ ई कृषि पाठशाला एक्सेस द डिवाइस लोकेशन वाइल यूजिंग दी ऐप, जितना भी है वाइल यूजिंग दी ऐप होगा। फोटोज़ और मीडिया को ज़रूर अलाउ करिएगा। बहुत लोगों के में ये सिस्टम ऑफ होता है, पर आपको इसमें पीडीएफ अपलोड्स करनी है, फ़ोटो क्लिक करनी है, इसलिए अलाउ करेंगे। क्लियर सभी को? यहाँ पे आपको क्या करना है, पाठशाला लॉगिन करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप पीएटी की तैयारी कर रहे हैं तब आप एडमिशन 2021 से 2022 वाला करते। अगर आप जेआरएफ एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेकंड ऑप्शन लेते, पर आपको पाठशाला लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, आप सभी देख सक रहे हैं। यहाँ पे एक IGKV स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे एक स्टाफ लॉगिन। तो हमें स्टाफ लॉगिन से कोई मतलब नहीं, हमें जाना IGKV स्टूडेंट लॉगिन। मैंने आप लोगों को बोला था सभी के पास रोल नंबर या फिर आईडी मिलती है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पासवर्ड डालना है। देखिए मेरा नीचे दिखा दे रहा है। और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप पासवर्ड भूल गए हैं, तब आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपके पास ईमेल आईडी में या फिर आपके नॉर्मल मैसेजेस में OTP आ जाएगा, उसे आपको इन करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें इन हो जाएंगे। मैं इसमें, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है पहले से ही, तो मैं इसे नहीं करूँगी, ठीक है। मैं जनरली से क्या कर दूँगी, यहाँ पे डालूँगी स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे पासवर्ड डालूँगी, ठीक है, फिर मैं इसे लॉगिन कर दूँगी। और मुझे यहाँ पे नहीं डालना है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसे लॉगिन नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपके पास इस तरह से आपकी आईडी खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन कार्ड ये सब भी देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपको इस तरह से आपका ओपन होगा पेज, ठीक है। तो यहाँ पे सर का है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दूसरी दिख रही हैं। अगर आप स्टूडेंट लॉगिन से करते हैं तो इस तरह से आपको दिखेगा, देखिए स्टूडेंट आईडी में। तब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखाई देगा स्टडी मटेरियल, जो कि जितने पीडीएफ्स होते हैं, असाइनमेंट होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, वीडियो लेक्चर होता है, और नीचे पे होता है एग्ज़ाम। क्या होता है आपका, एग्जामिनेशन होता है। इसका ओपन होगा, उसमें आपका एग्जामिनेशन जो ऑप्शन है आपको उसे टिक करना है। सेकंड, आपको एग्जामिनेशन टिक करने पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आपको पेपर जो होंगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के पेपर ओपन होंगे, इस तरह से देखिए। और आपको टाइमर चलता रहेगा, टाइमर चलते रहेगा, उससे आपको पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है तो टाइमर ऑन रहेगा। जैसे कि कल आपका हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम है तो आपका टाइमर ऑन रहेगा कि इतने घंटे बाद या इतने मिनट बाद आपका
एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट है उसमें आप क्लिक करेंगे, जब टाइम हो जाएगा उसी टाइम पर खुलता है पेपर। टाइम जब आपका हो जाएगा, जैसे 9 बजे से पेपर है तो 9 बजे का टाइम अगर दिया हुआ है और 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देगा फ़ोटो क्लिक करने का। तो ध्यान से पहले आपको सारे जितने भी डिटेल्स दिए हैं उनको केयरफुली पढ़ना, जैसे कि 25 पेपर मतलब 25 पेजेस से ज़्यादा आपका आंसर शीट नहीं होना चाहिए जिसमें भी आप लिखेंगे। उसके बाद आपको सारे को टिक करना है, आपको वहाँ पे अपना अटेंडेंस लगाना है, आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है, टेक योर फ़ोटो में जाकर आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शंस को टिक करना है कि आपने सारी गाइडलाइंस पढ़ ली हैं। उसके बाद आपको जाकर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा टेस्ट ड्यूरेशन कितना है, कितने मिनट्स का है या कितने घंटे का। जनरली 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 2 घंटे आपको सबमिट करने के लिए मिलता है। उसके बाद जब आपका हो जाए एग्ज़ाम हो जाए, ध्यान रहे बीच बीच में आपको पेपर को क्या है 3 घंटे बाद पेपर दिखाना बंद हो जाता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। बार बार आपको लेफ़्ट नहीं होना है ऐप से, नहीं तो पेपर सबमिट हो जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास 2 फ़ोन हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स होता नहीं है ऐप में तो आप लोग दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींचकर अपने पास रख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 3 घंटे के बाद क्वेश्चन पेपर दिखाना बंद हो जाता है। 3 घंटे में ऑनलाइन एग्ज़ाम देना मुश्किल है क्योंकि आंसर खोजने में टाइम लगते हैं। क्लियर है सभी को? बाकी आप सभी समझदार हैं। जब आपका पेपर हो जाता है आप PDF बना लेते हैं, हमेशा याद रखें PDF बनाएं, ठीक है। यहाँ से जाकर ई कृषि पाठशाला ऐप से PDF बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इतने सारे ऐप होते हैं उनसे आप PDF बनाएं। अगर 2-3 ऐप बताऊं तो मैं डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है, एक क्लियर स्कैनर करके होता है, एक है आपका क्लियर स्कैनर, ये बहुत अच्छा ऐप है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता PDF बनाने में, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी एक होता है डॉक्यूमेंट स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को लास्ट में दिखा दूँगी उसकी इमेजेस कि कैसा है ऐप, तो आप लोग डाउनलोड करिएगा। PDF बनाने के लिए हमेशा याद रखें PDF का जो साइज़ हो वो 4 से 5 MB से कम हो, कितना हो 4 या 5 MB से बराबर या फिर 4 से 5 MB से कम ही हो, ज़्यादा ना हो 5 MB से, याद रखें, वरना आपका ऐप जो है सपोर्ट नहीं करता और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपलोड आंसर शीट का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, तो अपलोड आंसर शीट में जाना है आपको और उसमें जाके आपको PDF जो है आपने सेव किया जिस नेम से, हमेशा ध्यान रहे स्पेसिफिक नेम यूज़ किया करिए PDF सेव करने के लिए, सेम नाम यूज़ ना करें क्योंकि गलती से अगर दूसरा PDF आपने अपलोड कर दिया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपलोड आंसर शीट, अपलोड आंसर शीट के बाद जब आप टिक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से जाकर आपको PDF को आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग PDF को हमेशा एक बार रीड करिए कि आपने जो PDF डाला है वो बिल्कुल सही है या नहीं, या गलती से कोई और आ गया है। तो सिलेक्ट फ्रॉम फाइल कर लिया आपने, उसके बाद ऐड कर लिया, ऐड करके आपने इमेजेस देख लिया, उसके बाद आपको नीचे यहाँ वाले बॉक्स में टिक करना है आई वेरीफाई दैट ऑल पेजेस ऑफ आंसर शीट हैव बीन अपलोडेड, ऑल आर रीडेबल फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि मैंने जितनी भी आंसर शीट यहाँ सबमिट की है वो सारे ही रीडेबल फॉर्मेट पे है और सारे ही पढ़ने की तरह है, यानी कि हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं और करेक्ट है बिल्कुल। इस तरीके से आपको PDF यहाँ पे दिखाएगा जब आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका अगर आंसर शीट सही है, उसमें सब कुछ सही है, आपने चेक कर लिया है, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे फाइनलाइज अपलोड शीट, यानी कि फाइनल अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद आंसर शीट नहीं बदली जा सकती। अगर आपके आंसर शीट में कुछ गलतियां हैं, आप नहीं अपलोड करना चाहते, तब आप करेंगे री अपलोड शीट, यानी का इसका मतलब है कि दोबारा से आपको क्या कर रहा है अनदर दूसरी कोई सी फाइल सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप फाइनलाइज अपलोड शीट करते हैं तो आपको इस तरीके से आपका जो आंसर शीट है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यू सबमिटेड एंड फाइनलाइज्ड योर आंसर शीट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, और बिल्कुल जब ये आप ऑप्शन टिक कर लें, आपका ऑप्शन टिक हो जाए, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को
एक पीडीएफ फॉर्म टाइप का सर्कल यहाँ पे दिखाई देगा, पीडीएफ दिखाई देगा। तो इस पीडीएफ को आप लोग हमेशा टिक करके एक बार ज़रूर देखेंगे कि आपने जो आंसर शीट अपलोड की है वो बिल्कुल सही है, उसी एग्ज़ाम की है जो एग्ज़ाम है। इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपका दिखाता है और आपको चेक कैसे करना है। तो चलिए, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लोग जब जब आंसर शीट अपलोड करते जाएंगे इस तरह से सर्कल में आपको आपका पीडीएफ दिखाता जाएगा। तो जब आप इसमें टिक करेंगे, इस सर्कल पर आप टिक करेंगे तो आपका पीडीएफ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। दिख रहा है सभी को, इस तरीके से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आपको कन्फर्म करना है कि आपने जो आंसर शीट अपलोड की है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यह है कि मिस्टेक्स, गलतियां क्या होती है। गलतियां ये होती है कि जब आप ई कृषि पाठशाला ऐप में जब आप अटेंडेंस देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अटेंडेंस देना भूल जाते हैं अगर हमको पीडीएफ मिल जाता है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, बहुत लोगों के साथ हुई है। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अटेंडेंस का भी एक स्पेसिफिक टाइम है, 20 मिनट जो होते हैं वो अटेंडेंस के होते हैं। पहले के ज़्यादा टाइम होने से अटेंडेंस बार बार नहीं होता। तो याद रखें, जैसे ही टाइमिंग स्टार्ट हो ई कृषि पाठशाला ऐप में वैसे ही बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आप टाइमली अटेंडेंस लगा दें, अपने क्वेश्चन पेपर को देख लें, उसके बाद फिर आप आंसर शीट को लिखना स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको, अटेंडेंस लगाने के बाद हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर को ओपन ज़रूर करना है। इससे पता चलता है कि हमने अपने अटेंडेंस लगाई थी। तीसरी चीज़, बार बार आपको लेफ्ट नहीं होना है ऐप से। एक बार अगर आपने ओपन कर लिया तो ओपन कर लिया, बार बार लेफ़्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर्स ढूंढने हैं तो आप किसी और फ़ोन से मदद ले सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, आप लोग जो भी कॉपी यूज़ कर रहे हैं एक परफेक्ट कॉपी रख लीजिए। बार बार अलग अलग पेजेस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। A4 साइज़ की कॉपियाँ मिलती हैं, कॉपियाँ बनाइए एग्ज़ाम्स के लिए। एक पूरा सेमेस्टर आपका काफ़ी होगा एक मोटी सी कॉपी, पतली भी नहीं, मोटी सी कॉपी, क्योंकि एक पतली कॉपी के जितना तो आप रोज़ आंसर्स लिखेंगे, है ना। तो आपको एक मोटी सी कॉपी बनानी है जिसपे आप आंसर लिखें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो आंसर्स हैं वो एक जगह रहेंगे, ताकि बाद में अगर ऐसा कोई इशू होता है तो आपके पास प्रूफ हो कि आपने एग्ज़ाम्स दिया है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, नेक्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है, हमेशा मेंशन करिए आप अपनी ऊपर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कौन सा एग्ज़ाम है और आपकी आईडी। आप अपना नाम नहीं लिखिए, पिछले बार ये रूल बनाया गया था कि आपको नाम नहीं लिखना है, आप फलाना है ठिकाना आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सीधा सिर्फ अपना आईडी नंबर लिखना है। क्लियर सभी को। नेक्स्ट आपकी गलतियां क्या होती है, आप हमेशा आंसर्स को गूगल से छापते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करना है, आप आंसर ज़रूर देखिए बट लिखिए अपने तरीके से, क्योंकि जब आपको मार्क्स मिलेंगे तो प्रोफेसर्स के हिसाब से मिलेंगे, ना कि गूगल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट गलती आपसे क्या होती है कि आप कभी भी जब पीडीएफ बनाते हैं तो जल्दी जल्दी में कुछ भी बना देते हैं। कुछ कुछ पेजेस होती है जो रीडेबल नहीं होती। इस कंडीशन में जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो चेकर्स होते हैं जो चेक करते हैं आंसर शीट को, वो किसी भी हाल में अगर रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है तो वो आपको ज़ीरो दे सकते हैं, आपको मार्किंग नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप पीडीएफ बना रहे हैं तो टाइम से पहले बनाएं। आपके पास लगभग 5 घंटे का टाइम है, 5 घंटे भी कम पड़ते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हैं। तो पहले के 3 घंटे आपको आंसर्स लिखने हैं, आप उसको 4 घंटे ले लीजिए, पर कम से कम 1 घंटा आप अपने आंसर शीट को लिखने मतलब पीडीएफ बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए रखें। कभी भी लास्ट टाइम पे पीडीएफ अपलोड मत करिए, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू होता है ई कृषि पाठशाला ऐप में, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। नेक्स्ट गलती आपकी क्या होती है, आपने पीडीएफ भी बना लिया, पीडीएफ अपलोड भी कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मेरा नाम खुशबू है तो मैंने बहुत सारी जो अपनी पीडीएफ है उसका नाम खुशबू लिखा है। अब मुझे एग्ज़ाम में हड़बड़ाहट है, मुझे याद नहीं, तो मैंने दूसरी जो पीडीएफ बनाया उसके जगह दूसरे खुशबू नाम वाले पीडीएफ को अपलोड कर दिया। अब मैंने अपलोड कर दिया, मैंने चेक भी नहीं किया, तो क्या हुआ, गलत आंसर शीट मेरी अपलोड हो गई, तो भी मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है सभी को। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, जिस चीज़ का एग्ज़ाम है आंसर शीट भी उसी की आप लोग अपलोड करें। क्लियर सभी को। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। आधे घंटे पहले एग्ज़ाम ख़त्म
जो टाइमिंग है उसके आधे घंटे पहले ही आप लोग आंसर शीट अपलोड कर देंगे तो बेहतर होगा, और अपनी आंसर शीट्स को आप लोग दो बार रीचेक करेंगे कि आपने जो आंसर शीट्स अपलोड की हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। वरना आप पिछले बार के स्टूडेंट्स से भी पूछ सकते हैं, कई लोगों के मैंने आंसर शीट चेक करवाए हैं तब जाके उनके मार्क्स जो बाद में चेंज किए गए थे। वरना पिछली बार ऐसा कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ था जिनको मार्क्स ही नहीं मिले थे, जो डायरेक्ट जिनका बैक लग गया था, तब हमने उनका आंसर शीट्स फिर से रीचेक करवाया, तब जाकर उनकी आंसर शीट्स सही हुई, वरना आपके उसमें मार्क्स ही नहीं मिले थे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि आंसर शीट जब आप अपलोड कर भी देते हैं तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के एक दो बार आप ज़रूर चेक कर लिया करें, अगर आप चेक कर लेंगे तो कुछ घटने जाएगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मुझे ट्रस्ट है आप सभी पर कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आप सभी के एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। पेपर ऑनलाइन है इसका मतलब ये मत समझिए सिर्फ इस बार के लिए, तो बी प्रिपेयर रहिए ताकि आपको आगे के लिए भी दिक्कत ना हो। क्लियर है सभी को? इसके रिगार्डिंग अगर आपसे कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी शंका है, बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं आप सभी के आंसर दूंगी। क्लियर है सभी को? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड वेरी मच।